देखिए, हमारे स्किन के टाइप से कई तरह के स्किन प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट हर आदमी को, हर इंसान को अपने प्रोडक्ट्स को अपने स्किन के टाइप के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। और बेसिकली सीज़न के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट्स जो यूज़ हम करते हैं वो वेरी करते हैं। अब स्किन टाइप कैसे पहचाने, इसके कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं जो हम स्किन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए साइंटिफिकली तो स्किन 6 प्रकार की होती है, 1 से 6 टाइप तक। टाइप 1 टाइप 2 स्किन जैसे होती है वो यूरोपियन स्किन टाइप में मिलती है, जो बहुत ही चमड़ी इसमें गोरी होती है। टाइप 3 टाइप 4 स्किन होती है, जैसे एशियन स्किन हम लोगों की है टाइप 5 तक। बट टाइप स्किन स्किन जो होती है वो नीग्रोज में आप देखेंगे उनके अंदर पाई जाती है, तो वो मेलानिन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि स्किन टाइप हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि किसी की स्किन चमड़ी में ज़्यादा ऑयल है, फैटी है, ऑयली स्किन टाइप कहते हैं, या किसी को हम मिक्स स्किन टाइप कहते हैं, या फिर ड्राई स्किन टाइप कहते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है नॉर्मली कि जो बीच का जो हमारा टी जोन होता है, अपना फोरहेड हो गया, नाक और चिन एरिया हो गया, वो ज़्यादा ऑयली रहता है हमेशा, बिकॉज वहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ज़्यादा होते हैं। बट उससे हम स्किन टाइप को क्लासीफाई नहीं करते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है, या आपको देखें कि मोस्ट ऑफ़ दी मंथ्स इन ईयर स्किन ऑयली रहती है, तो आप वो प्रोडक्ट यूज़ करिए जिसमें आपकी स्किन के ऑयल को रिमूव किया जा सके। इसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, और ओवर दी काउंटर भी कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑयली स्किन टाइप के लिए हैं। किसी का ड्राई स्किन टाइप है तो उसके अंदर उसे प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करने चाहिए जिसके अंदर कि आपके जो फैट या लिपिड्स को वापस रिप्लेस किया जा सके, तो उसके प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको मिक्स स्किन टाइप है तो उसके लिए भी उसी तरह के फेस क्लिनजर्स, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और डेली यूज़ क्रीम्स, नाइट क्रीम्स अवेलेबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि किसको किस तरह की अगर बीमारी है, जैसे किसी को पिंपल्स की बीमारी है जिसे हम एक्ने वल्गैरिस कहते हैं, तो उन्हें उस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो कि नॉन कोमेडोजेनिक हों, मतलब कि जो कि पिम्पल्स को बढ़ावा ना दें। कई नॉर्मली ये होता यह है कि ज़्यादातर लोग मार्केट में जाते हैं और डिफरेंट कॉस्मेटिक ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद लेते हैं, और वो देखते हैं कि अगर वो पिंपल्स का ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा फ़र्क आ नहीं रहा है। इसका ये कारण एक होता है कि इसमें लोग ओवर दी काउंटर क्रीम्स हो गई और मॉइस्चराइज हो गए वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से एक्ने और बढ़ जाते हैं। तो आप वो प्रोडक्ट खरीदिए जिसके ऊपर लिखा हो नॉन कोमेडोजेनिक, मतलब जो पिंपल्स को बढ़ाता ना हो। या अगर आपको ना समझ आए तो अपने आप स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और वो आपको उस तरह का प्रोडक्ट बताएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप सन में रहते हैं ज़्यादा, या आपका जॉब या इस तरह का इन्वॉल्व करता है कि आप ज़्यादा धूप में रहें, तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सनस्क्रीन भी एक तो आपका जेल फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि बेसिकली ऑयली स्किन टाइप के लिए अवेलेबल हैं, क्रीम में है अवेलेबल, और लोशंस में है जो कि ड्राई स्किन टाइप के लिए हैं। सनस्क्रीन्स का जो फॉर्मूलेशन है, जैसे क्रीम हो गया, जेल हो गया, लोशन, ये सीज़न के हिसाब से भी वेरी करता है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप क्रीम टाइप या फिर जेल टाइप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली रहती है तब भी आप जेल का इस्तेमाल करें, अगर ड्राई रहती है तो आप लोशन का इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी स्किन ऑयली रहेगी और ड्राई नहीं होगी। देखिए, स्किन टाइप हम एक तरीके से और पहचान सकते हैं, जिसे हम ऑयली स्किन टाइप कहते हैं, ड्राई स्किन टाइप, या फिर मिक्स्ड स्किन टाइप। अब ऑयली स्किन टाइप तो बहुत आसान है पहचानना, देखेंगे कि आप मोस्ट ऑफ़ दी मंथ्स इन अ ईयर स्किन किसी की ऑयली रहती है जिसमें चिकनाहट ज़्यादा रहती है। देखिए, नॉर्मल सब लोगों में फोरहेड के ऊपर, नाक के ऊपर, नाक के साइड में और चिन में ऑयल हमेशा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज वहाँ पे ग्लैंड्स हमारे ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का, इसे हम टी जोन कहते हैं, अगर किसी का स्किन टाइप पूरा ही चेहरा ज़्यादा ऑयली रहता है तो आप उसे हम ऑयली स्किन टाइप में क्लासीफाई करते हैं। अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम इन अ ईयर आपकी स्किन ड्राई रहती है, सूखी रहती है, रूखी सी रहती है, कुछ हल्की हल्की पपड़ियाँ जम के निकलती रहती हैं, तो इसे ड्राई स्किन टाइप कहते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि मिक्स स्किन टाइप, जिसकी ना स्किन ज़्यादा ऑयली रहे ना ज़्यादा ड्राई रहे, और सीज़न के साथ से वेरी करे। विंटर्स में नॉर्मली स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और समर्स में स्किन थोड़ी ऑयली रहती है, बिकॉज गर्मी के कारण हमारे ग्लैंड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं लिपिड्स को। तो इस तरह से स्किन टाइप हम क्लासीफाई करते हैं। और उसके अलावा विंटर्स, समर्स और रेनी सीज़न के हिसाब से आपकी स्किन वेरी कर सकती है रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसको आप इस्तेमाल करके सीज़न के हिसाब से और अपने स्किन टाइप के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऑयली स्किन टाइप है तो आप ऑयल को रिमूव करने वाले क्लिनजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली ना रहे, जिस ताकि आपके फेस में ज़्यादा चिकनाहट वाली चमक ना आए, लेकिन दूसरी तरह की एक जो होता है रिफ्रेश्ड लुक वो नज़र आए ज़्यादा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी ड्राई स्किन ज़्यादा है तो उसमें रूखापन ज़्यादा आएगा, क्रैकलिंग ज़्यादा रहेगी, उसके कारण से एक्जिमा भी हो सकता है। अब किसी की ड्राई स्किन है बट उसको पिंपल्स भी हैं साथ में, ये नॉर्मल माना गया है कि ऑयली स्किन टाइप होगी तो ही पिंपल्स होंगे, अदरवाइज पिंपल्स नहीं होंगे, ये एक गलत धारणा है।
अगर किसी की ड्राई स्किन टाइप भी है उसको भी एक्ने हो सकते हैं। अब अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है और आपको पिंपल्स हैं और आप ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगाई जा रहे हैं तो उससे आपके पिंपल्स और बढ़ेंगे। मॉइस्चराइजिंग से आपका स्किन तो ठीक रहेगा लेकिन पिंपल्स और बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह के गलत इस्तेमाल से कई बारी आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। कई बारी गलत इस्तेमाल के क्रीम्स के यूज़ से आपको एलर्जिक भी हो सकता है फेस के ऊपर, इरिटेंट डर्मेटाइटिस भी हो सकती है। अगर आपको ये कुछ चीज़ हो, फेस पे लाली हो या फिर आपके पिंपल्स ज़्यादा निकल रहे हो या आपके फेस में खुजली ज़्यादा होती है कुछ क्रीम्स लगाने के बाद, या आपकी स्किन टोन कुछ चितकबरी से अजीब सी नज़र आती है, पिगमेंटेशन वेरिएशन है स्किन के अंदर, तो अपने आप स्किन कंसल्टेंट को इस तरह जरूर कॉन्टैक्ट करें। वो आपको सही प्रोडक्ट आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से क्लासीफाई करके आपको बता पाएंगे।